बंगाल बंद की हर खबर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं और अभी एक बड़ी जानकारी वहां से सामने आ रही है। नॉर्थ 24 परगना में देसी बम मिला है, फायरिंग वाली जगह से बम बरामद किया गया है। तो नॉर्थ 24 परगना में देसी बम मिला है आज। दरअसल इस बंद के दौरान कई जगहों से हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। भाटपाड़ा में गोली चला दी गई थी बीजेपी नेता पर, बस कुछ देर पहले उन पर फायरिंग की गई थी जिसमें बीजेपी के एक कार्यकर्ता के जख्मी होने की सूचना है और फायरिंग वाली जगह एक देसी बम भी मिला है। बीजेपी के जो वहां के नेता हैं अर्जुन सिंह, वो खुद थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने जब आए उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि बीजेपी नेता प्रियांगू जिनकी कार पर गोलियां चलाई गई उनकी हत्या की साजिश थी। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेते हैं, अपनी सहयोगी मनोज्ञा के पास चलते हैं। मनोज्ञा, क्या और जानकारी मिल पा रही है, क्या पता चला है? देखिए, जहां पर गोलियां चली थी वहीं पर बम बरामद हुए हैं और इनकी संख्या अभी अनुमानित तौर पर 1 से 3 है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये बम लेकर कौन आया था, यहां पर रखा किस मंशा से गया था, कि क्या उसको बीजेपी के, क्योंकि अर्जुन सिंह जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि ये यहां पर इसी हिसाब से रखा गया था जिससे कि बीजेपी के नेताओं को नुकसान पहुँचाया जा सके। और इसी तरह की तस्वीरें कमोवेश कई इलाकों से आ रही हैं, हालांकि किसी भी तरह के हथियार या फिर बाकी सारी चीज़ों की बात नहीं आ रही है, लेकिन बम या फिर तोड़फोड़ की घटनाएं कई इलाकों से आ रही हैं। और मैं इस समय जहां पर हूँ, यहां पर आपको मैं गो बैक के स्लोगन जरा सुनवा दूँ। रूपा गांगुली है यहां पर, रूपा गांगुली अभी भी वैसे ही खड़ी और डटी हुई है यहां पर, लेकिन आसपास के उनको तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया है और गो बैक के स्लोगन लगाकर उन्हें यहाँ से हटाने के लिए कह रहे हैं, उनसे यहाँ से हटने के लिए, यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। रूपा गांगुली हटने को तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर आपको कोलकाता पुलिस शांति से सब कुछ देखती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर खड़े होकर कोलकाता पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पर गरियाहाट थाना के और आसपास के, वो यहाँ पर आपको खड़े नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक को सुचारू रूप से एक लाइन में करके चालू करने की और उसको लगातार चलाने की कोशिश की जा रही है। मैं आता हूँ आपके पास मनोज्ञा, वो तस्वीर आप दिखाइएगा जहाँ पर आप है, लेकिन ये जो देसी बम जहाँ बरामद हुआ है वो आप देख रहे हैं, एक बाल्टी के अंदर उस बम को सुरक्षित तरीके से यूं रखा पुलिस वाले ने ताकि कोई विस्फोट ना हो जाए। ये भाटपाड़ा की घटना जहां पर गोली चलाई गई थी वहीं से बम की बरामदगी हुई है और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि वहां के एक स्थानीय जो बीजेपी नेता हैं उनकी हत्या की साजिश थी। 6 राउंड गोली चलाई गई इस तरह की जानकारी मिली और वहीं से देसी बम की बरामदगी भी हुई। कुछ देर पहले हमारी सहयोगी मनोज्ञा बता रही थी कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक 1 से 3 इसकी संख्या हो सकती है। उस बम को वहां पर जो रखा गया आप देखिए एक बाल्टी के अंदर कुछ इस तरीके से संभाल कर ताकि उसमें विस्फोट ना हो जाए। तो ये सवाल बड़ा है कि आखिर कौन है इन सब के पीछे, बीजेपी नेता की क्या हत्या की वाकई में साजिश थी, कौन है जिसने उनकी गाड़ी पर गोली चलाई। देसी बम मिलना जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। सवाल ये कि ये लोग जो हैं गुंडे बदमाश मवाली, क्या इनके मन में पुलिस का भय नहीं है? दिन दहाड़े इस तरीके की घटना को वो अंजाम देते हैं। और दो तस्वीरें अब आपके सामने, ये जो बम की बरामदगी हुई वो और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, रूपा गांगुली कोलकाता की सड़क पर घूमती हुई नजर आ रही हैं और हाथ जोड़कर वहां पर लोगों से आग्रह करती हुई दिख रही हैं कि वो बंद को सफल बनाएं। मनोज्ञा भी यहीं पर मौजूद है हमारी सहयोगी। मनोज्ञा, आप क्या कहेंगे? मेरे गांव पे हाथ मत लगाइए, आपको अरेस्ट किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? लगाइए, हम यहाँ क्या कहेंगे? हाथ मत लगाओ, डोंट टच मी, don't you dare touch me. আমি একটা সাধারণ নাগরিক, আমার রাস্তায় হাঁটছি, আপনারা প্রেসদের চলে যেতে বলুন, আপনারা এদের চলে যেতে বলুন, আমি সাধারণ রাস্তায় হাঁটছি, আমি তো স্লোগান মেরেছি না, যাবো আমাকে হাত দেবেন না, গা হাত দেবেন না, একদম গা হাত দেবেন না, একদম গা হাত দেবেন না, একদম গা হাত দেবেন না, গা হাত দেবেন না। কি হয়েছে তোমাদের? তোমরা মেয়ে নাও, তোমাদের লজ্জা করছে না? আর্জি করে মেয়েটার কথা মনে পড়ছে না? हिरासत में लेने के लिए, गिरफ्त में लेने के लिए यहाँ पर पुलिस पहुंची है, लेकिन पुलिस को हाथ नहीं लगाने दे रही है, कह रही है कि मैं एक सामान्य नागरिक के तौर पर सड़क पर चल सकती हूँ, अगर सामान्य नागरिक सड़क पर चल सकता है तो मैं क्यों नहीं चल सकती और मुझे भी इस तरह से चलने की आजादी क्यों नहीं? अरे करने दो, आप लोगों के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन लोगों को कोई डिटेन नहीं कर रहा, हाथ छोड़ो।
फोन होले क्या मन लागतो आज जुगारे नेता अपना तो नहीं होले क्या मन लागतो ओए क्यों धक्का मारे क्यों धक्का मारे मैं क्यों देखिए ये रही रुमा गांगुली जी को यहां से अब पुलिस लेकर जा रही है और पुलिस इन्हें हिरासत में ले रही है। उसका कारण यह है कि रास्ते पर जिस तरह से लोगों से बातचीत कर रही थी यहाँ पर पुलिस ने कोई कारण नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठा रही है रूपा गांगुली कि अगर एक साधारण व्यक्ति सड़क पर चल सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं चल सकती। सवाल पूछ रही है पुलिस वालों से, जो महिला पुलिस यहाँ पर कर्मचारी है उनसे पूछ रही है कि अगर तुम्हारे घर पर अगर कोई लड़की के साथ ऐसा हुआ होता तो तुम क्या करती। पुलिस वालों से भी यही सवाल कर रही है। देखिए ये अकेली रूपा गांगुली यहाँ पर गरियाहाट मोड़ पर चारों ओर तृणमूल कांग्रेस के पहले यहां पर कार्यकर्ताओं से घिरी रही, चारों ओर यहां पर सवालिया निशानों से घिरी रही, लेकिन अब उसके बाद किस तरह से उनको खींच के ले जाया जा रहा है। पुलिस यहां पर उनको खींच के ले जाती हुई नजर आ रही है और यहीं पर हिरासत में ले जाने के लिए बगल में गरियाहाट थाना है वहां पर ले जा रही है पुलिस। पुलिस का कहना है यहाँ पर एक और जहाँ महिला पुलिस तैनात हुई, साथ ही साथ गो बैक के स्लोगन्स लगातार जारी हैं। राजनीति का ये चेहरा पश्चिम बंगाल का, जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर बीजेपी के नेता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अकेले रूपा गांगुली चल रही है। रूपा गांगुली का दावा है, उनका ये क्लेम है कि अगर सड़क पर सामान्य तौर पर, मैं सूरजदास से कहूँगी आपको आगे आके तस्वीरें दिखाएं किस तरह से उनको यहाँ पर गाड़ी में उठाया जा रहा है, गाड़ी में आप बैठाकर यहाँ से ले जाया जाएगा। और साथ ही साथ सवाल ये कि यहाँ पर गाड़ी में बैठाकर रूपा गांगुली को वो बैठने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि जब ये तस्वीरें आप मनोज्ञा दिखाती रहे और अगर आप मुझे सुन पा रही हो जरा बताइएगा, रूपा गांगुली को तो डिटेन किया जा रहा है जो कि वहां पर लोगों से बंद को सफल बनाने का आग्रह करती हुई दिख रही थी हाथ जोड़कर, लेकिन लगातार जो टीएमसी के नेताओं कार्यकर्ताओं की आवाज आ रही है, गो बैक के नारे लगा रहे हैं, सड़क पर हंगामा कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बिल्कुल अखिलेश, आपने जो कहा वो 100% सही है, क्योंकि यही आपको बता रहा है कि कानून व्यवस्था के चेहरे, कानून व्यवस्था के मापदंड और कानून व्यवस्था पर उठ रहे प्रश्न यहीं पर एकत्रित हुए। करीब 50 से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन रूपा गांगुली जो अकेली बिना किसी झंडे के, बिना किसी हाथ में कोई भी परचम लिए हुए अकेली चुपचाप यहाँ पर चल रही थी, लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रही थी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा रहा है पुलिस की तरफ से। वो बार बार यही सवाल कर रही हैं, जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पर, जितने भी पुरुष हैं यहाँ पर जो पुलिस के कर्मचारी हैं, कि अगर तुम्हारे घर में ये हुआ होता तो तुम क्या करते, और यही इसी का जवाब नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो गो बैक के स्लोगन से आपको सुन रहे हैं, किस तरह से कोलकाता पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है और वो सवालों का जवाब तो दूर यही नहीं बता पाएगी कि आखिरकार यहाँ पर इस तरह से चुपचाप क्यों बैठी हुई है। अब अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ कोलकाता पुलिस के महिला कर्मचारी उनको अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब रूपा गांगुली को इस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है, बतौर सांसद भी उनको कई बार गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आज ये गरियाहाट की तस्वीरें जहाँ एक और सामने खड़े हुए 100 लोग एक साथ स्लोगन लगा रहे हैं, जालिए दाओ पूरिए दाओ मतलब आग लगा दो, और उसके साथ गो बैक के स्लोगन लगा रहे हैं, उन पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। बंद के लिए समर्थन पे यहाँ पर आई हुई ममता बनर्जी के खिलाफ जो बंद बुलाया गया है यहाँ पर, उसमें आई रूपा गांगुली को गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहीं पर पूछते हैं आप लोग तृणमूल कांग्रेस से हैं, तृणमूल कांग्रेस से हैं आप लोग यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं, पुलिस ने आपके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया है? नहीं, हम बंद के खिलाफ है, हम बंद के खिलाफ है, एक दिन बंद हो जाने से क्या खाएगा कुछ नहीं होगा, इसलिए हम बंद के खिलाफ है, बस बंद के खिलाफ है, इसलिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप सब बंद के खिलाफ है, आप सब दादा आप सब देखिए ये अब इनको पुलिस ही कह रही है कि आप यहाँ से हट जाइए, और इसलिए ये सब यहाँ से हट जा रहे हैं। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको बंगाल के बारे में बहुत कुछ बयां करने को मजबूर कर देती हैं। इन्हें आप इसे आप व्याख्या करते जाएंगे तो राजनीति की परत दर परत खुलती चली जाएगी। बिल्कुल मनोज, आप सही कह रही हैं, ये कार्रवाई भी बिल्कुल भेदभावपूर्ण कार्रवाई नजर आ रही है कि एक तरफ तो आप बीजेपी के नेताओं को कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रहे हैं, लेकिन वहीं पर बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, नारे लगा रहे हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर को दिक्कत इधर से हो रही है तो फिर उधर से भी होगी जिस तरीके का हंगामा हो रहा है, लेकिन ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है।
ये रूपा गांगुली को जब हिरासत में लिया गया था उस दौरान की तस्वीर वहां पर मौजूद है हमारी सहयोगी मनोज्ञा जो पल पल का हाल आप तक पहुंचा रही थी। दरअसल रूपा गांगुली आज सड़क पर निकली और हाथ जोड़कर घूम घूम कर लोगों से अपील कर रही थी पैदल चलते हुए कि आप इस बंद को सफल बनाए क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उनकी पिटाई की गई है, उनके साथ बेरहमी की गई है और ऐसे में जनता हमारा साथ दे, ये अपील करती हुई घूम रही थी रूपा गांगुली। थोड़ी देर तक वो चलती रही लेकिन उसके बाद पुलिसकर्मी वहां पर पहुंच गए और उन्हें हिरासत में ले लिया गया और अब यहां से उन्हें ले जाया गया है। इसी तरीके से विभिन्न हिस्सों से तस्वीरें सामने आई थी, जब आपने देखा था लॉकेट चटर्जी को भी हिरासत में लिया गया था और सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई जगहों से हमें हिंसा की सूचना भी मिल रही है, खासतौर पर भाटपाड़ा वाली घटना जो थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज पर खबर आप देख रहे थे, वहां पर एक बीजेपी नेता की कार पर दनादन 6 राउंड गोलियां चलाई गई। बीजेपी के एक नेता हैं वहां पर जो सांसद भी रह चुके हैं अर्जुन सिंह, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता की हत्या की साजिश थी दरअसल ये। थोड़ी देर के बाद पुलिस ने वहां से देसी बम भी बरामद किया तो सवाल यह है कि क्या खाकी का खौफ नहीं है गुंडों के मन में, कैसे दिन दहाड़े लोग गोलियां चला दे रहे हैं, देसी बम लेकर वहां पहुंच जा रहे हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने, कोलकाता से सीधी तस्वीरें, एक तरफ सड़कों पर आप देख रहे हैं लगातार टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आमने सामने दिख रहे हैं और दूसरी तरफ जब रूपा गांगुली को हिरासत में लिया गया उस दौरान की तस्वीर भी है। हमारे साथ मनोज्ञा लोहिवाल लगातार कोलकाता से मौजूद है। मनोज्ञा, बंद के दौरान भी हिंसा की खबरें आ रही हैं, सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है और खासतौर पर भाटपाड़ा वाली घटना जहां एक के बाद एक 6 गोलियां दाग दी जाती हैं बीजेपी नेता की कार पर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल, और कल्पना कीजिए कि ये तो कैमरे पर रिकॉर्डेड है, अगर यकीन मानिए अगर कैमरे पर नहीं होता तो फिर यही कहा जाता कि ये झूठ है मिथ्या है। हालांकि इसकी जांच तो पुलिस करेगी कि ये सच है कि झूठ है। और इस समय वर्तमान में जिस तरह से हिंसा की घटनाएं आ रही हैं पूरे बंगाल के विभिन्न इलाकों से, ग्रामीण इलाकों से खासतौर से, वो निस्संदेह बहुत कुछ बताती हैं, वो बहुत सवाल खड़े करती हैं, वो बहुत सारी ऐसी बातें बताती हैं कि जिस तरह से जन आक्रोश रहा है खासतौर से इस मामले में लेकर, जहाँ पर जनता सड़कों पर उतरी है बिना किसी दल के बल के। ऐसा नहीं है कि जब मोमबत्ती लेकर हाथ में लोग चले हैं रात को सड़कों पर, या फिर जो सवाल हुए हैं या स्लोगन्स यहीं पर दक्षिण कोलकाता में एक से एक, जो लोग कभी घर से इस तरह की रैली में शिरकत नहीं करते वो अपने घरों से निकले हैं सिर्फ अपना प्रतिवाद और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कि हमें इंसाफ चाहिए, वो आपको तस्वीर बंगाल में अगर देखने को मिल जा रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि इस घटना ने कई दिलों को इतना झकझोर के रख दिया है, जहां पर लोग अपने घरों से निकल के प्रश्न चिन्ह के साथ निकलने को मजबूर हो गए हैं। अब ये प्रश्न चिन्ह लाजमी है प्रशासन पर ही लगेगा क्योंकि उनकी भूमिका को संदेह की नजर से देखा जा रहा है। इसका साफ खुलासा तो सीबीआई की रिपोर्ट में ही होगा कि आखिरकार सच क्या है और झूठ क्या है, लेकिन उसके पहले क्योंकि इतने सारे प्रश्न चिन्ह लग गए हैं जिनके अभी जवाब किसी को नहीं पता है, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। मनोज्ञा, एक बहुत ही अहम बात थोड़ी देर पहले आप बता रही थी कि ममता बनर्जी सरकार ने वहां पर बंद के खिलाफ कोई कानून बना दिया है। ये वही ममता बनर्जी हैं जो खुद धरना प्रदर्शन करती रहीं, बंद बुलाती रहीं, सड़क पर संघर्ष करती रहीं और जब सत्ता में आई तो बंद के खिलाफ कानून बना दिया उन्होंने। देखिए, सत्ता में कुर्सी और कुर्सी पर बैठने के बाद परिवर्तन लाजमी हो जाता है। विपक्ष की राजनीति में मैंने जो देखा है, आपको 2 दशक की मेरी यहाँ की रिपोर्टिंग में आपको अगर मैं ये कहूँ कि ममता बनर्जी जैसा विपक्ष में नेता खोजना बड़ा मुश्किल है, जो विपक्ष में रहकर किस तरह से किस मुद्दे को कितना तूल देना है ये बखूबी जानती हैं। तो वो ये भी जानती हैं कि विपक्ष के पास वो कौन कौन से हथियार हैं जो सत्ता में रहने के बाद सामने वाले को थोड़ी सी ज्यादा ताकत दे देते हैं जनता के बीच में, और उसमें से सबसे बड़ी ताकत होती है बंद की, खासतौर से बंगाल में, क्योंकि लेफ्ट के कार्यकाल के दौरान करीब 30 उनके 35 वर्षों के कार्यकाल के दौरान जितनी बार भी बंद बुलाया जाता था तो यकीन मानिए अगर लेफ्ट ने बंद बुलाया है तो सरकारी दफ्तरों पे सरकार ही ताले लगा देती थी अपने बंद को सफल बनाने के लिए। सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने इसको कानूनी अमला जामा पहना दिया और ये जो पूरी तरह से इसको एक ऐसे ढांचे में डाल दिया कि अगर आप बंद बुलाते हैं तो वो गैर कानूनी हो जाता है।
अब अगर उसको गैर कानूनी कहिए या फिर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहिए यानी कि असंवैधानिक कहिए, इन दोनों में आप इसे कुछ भी पुकारिए, सच तो ये है कि अगर विपक्ष ने बंद बुलाया है तो इसे असफल करने की जिम्मेदारी उस पक्ष की हो जाती है जो विपक्ष में नहीं है, लाजमी तौर पर तृणमूल कांग्रेस जो यहाँ पर सत्ता में है। अब आज ही की आपको तस्वीर दिखा दें, अगर एक पूर्व सांसद सड़क पर चल रही है हाथ जोड़कर बिना किसी झंडे के, उनका एक ही सवाल था रूपा गांगुली का कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं एक साधारण यहाँ के सिटीजन के हिसाब से, कोलकाता के नागरिक के हिसाब से सड़क पर चल रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, आपको मुझसे क्या आपत्ति है। पुलिस से उनकी यही सवाल काफी देर तक चलता रहा, जिस पर लगातार गो बैक के स्लोगन लगते रहे। पुलिस खड़े होकर देखती रही, पुलिस ने सब कुछ देखा सुना। जैसे ही रूपा गांगुली चली गई, हमने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात की, उन्होंने कहा बड़ो बाबू बोले दिए चल हमरा चले जाओ। अब आप कल्पना कीजिए, साधारण व्यक्ति जो यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहा है, तृणमूल कांग्रेस का समर्थक खुद को बता रहा है, उसने अपने मुंह से ये कहा है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कहा भी है तो यही आपको राजनीति की वो तस्वीर दिखा देती है जिसे हम आपको सिर्फ कैमरे पर दिखाएंगे तभी आप विश्वास करेंगे। बिल्कुल मनोज्ञा, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगा, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से कोलकाता के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं या फिर पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से, वो दर्शकों को हम दिखा देते हैं। आज सुबह से ही सड़क पर वहां पर जबरदस्त हल्ला हंगामा हो रहा है, बीजेपी ने बंद का आह्वान किया था और बंद को सफल बनाने में बीजेपी के नेता वहां पर लगातार जुटे हुए हैं, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि वहां पर जो भी नेता सड़क पर उतर रहा है उन्हें हिरासत में भी लिया जा रहा है, प्रशासन बिल्कुल सख्त है। रूपा गांगुली को हिरासत में लिया गया, लॉकेट चटर्जी को हिरासत में लिया गया, ये दोनों तस्वीर आपके सामने, और बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी बिल्कुल तानाशाह वाले अंदाज में वहां पर शासन कर रही हैं। आखिर क्यों जो लोग वहां पर बंद बुला रहे हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस तरीके से उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। और कोलकाता के कुछ हिस्सों से जो हमें जानकारी मिल रही है, कई जगहों पर बाजार बंद हैं, दुकानें अभी तक नहीं खुली हैं, यानी बंद उन जगहों पर सफल नजर आ रहा है। पूरे पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो क्या हालात हैं ये देखना बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि उन हिस्सों से भी कुछ खबरें छन छन कर सामने आ रही हैं। और एक आज बहुत ही दुखद हादसा भी हो गया है, भाटपाड़ा इलाके में एक बीजेपी नेता पर गोली चला दी गई। लॉकेट चटर्जी को जब हिरासत में लिया जा रहा था उस दौरान वो क्या कह रही थी, आपको सुनवाते हैं। ये जनता के मुद्दे को ये बंद अंदर से समर्थन कर रहे, दिल से समर्थन कर रहे, आप लोग देख रहे दिल से समर्थन है, जो भी हो पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल जनता मुद्दे को समर्थन कर रहा है, हम लोग जनता के साथ है। बंगाल में लॉ कुछ नहीं है और एक महिला होके महिला को जस्टिस नहीं दे पाया, उसके पुलिस छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, लाठीचार्ज के कल जैसे रूप कोलकाता ने देख लिया, पूरा देश ने देख लिया है। ये साबित हो गया है कि ममता बनर्जी महिला को जस्टिस नहीं देंगे, दोषी को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं मनोज्ञा के पास। मनोज्ञा देखिए, बहुत गंभीर आरोप है। लॉकेट चटर्जी जो कह रही थी कि एक महिला होकर महिला को इंसाफ नहीं दिलवा पा रही है ममता बनर्जी, ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने मां माटी और मानुष का नारा बुलंद किया था जब वो सत्ता में आई थी, और उसी में से आज महिलाओं के लेकर जो घटनाएं हो रही हैं, एक संदेश खाली वाली घटना हो या फिर ये लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, उसको लेकर सवालों के घेरे में ममता बनर्जी की, जो उन्होंने कहा था सत्ता में आने के लिए, अब सत्ता में जब हैं तो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा मनोज्ञा, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से दर्शकों के सामने वो तमाम तस्वीरें रखना चाहता हूं आज बंद के दौरान जो कुछ देखने को मिला है पश्चिम बंगाल में। ये कोलकाता की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जबरदस्त हल्ला हंगामा सड़कों पर आज भी हुआ है, कल तो आपने देखा ही था क्या कुछ हुआ था, भीड़ भी हिंसक हुई थी, पुलिस ने भी सख्ती बरती थी, लेकिन आज बंद के दौरान की तस्वीर है। तो बीजेपी की महिला नेता खास तौर पर आज सड़क पर अलग अलग हिस्सों में नजर आ रही हैं। थोड़ी देर पहले आपने लॉकेट चटर्जी को देखा था, रूपा गांगुली को आपने देखा, दोनों को फिलहाल हिरासत में लिया जा चुका है। और ये देखिए आपके सामने बीजेपी के उन नेताओं का पूरा जत्था नजर आ रहा है जो सड़कों पर निकले हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि बंद को सफल बनाइए, और इसका असर बहुत जगहों पर देखने को मिल भी रहा है, खास तौर पर जो एमजी रोड वाला इलाका है जहां पर सैकड़ों दुकानें हैं, सुबह तक 9-10 बजे तक दुकानें खुल जाती थी लेकिन आज शटर डाउन है। अभी तक पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग हिस्सों से जो हमें जानकारी मिल रही है बंद का मिला जुला असर है, लेकिन कोलकाता में इस बंद का साफ असर दिख रहा है। और तीनों तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे बीजेपी के नेताओं को वहां पर लोगों से मिलते जुलते हुए संवाद करते हुए, कुछ जगहों पर उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। पहली तस्वीर में एक बीजेपी की नेता नजर आ रही है जो वहां लोगों से ये कहती हुई दिख रही है कि बंद को सफल बनाइए। दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आप जिसमें रूपा गांगुली हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं, और उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
तीसरी तस्वीर में लॉकेट चटर्जी नजर आ रही हैं, उन्हें भी फिलहाल पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है और जहां पर वो पहुंची थी वहां से उन्हें हटा दिया गया है, थाने ले जाया गया है इनको भी। बंद पालन करने के लिए मनोज्ञा, बीजेपी के एक और लीडर आ गई है वहां पर। गांगुली जितनी देन थी, अब अग्निमित्रा पॉल को महिला पुलिस यहां पर। जी बिल्कुल, अग्निमित्रा पॉल है यहां पर और अग्निमित्रा पॉल को कोलकाता पुलिस की ओर से उनकी महिला टुकड़ी यहां पर उनको गिरफ्तार करके ले जा रही है। यहां पर इन्हीं बसों में उनको भरा जा रहा है, एक के बाद एक बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ किस तरह से घसीट के यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो अग्निमित्रा पॉल के साथ यहाँ पर अभी प्रदर्शन कर रहे थे। अग्नि से बात करने की हम कोशिश करेंगे, अग्निमित्रा पॉल इस समय यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर आरोप लगाती हुई कि विरोधी का मुंह बंद किया जा रहा है, विरोधी पक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है। बंगाल में यहाँ पर कोलकाता पुलिस के कई सारे अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं, एक एक करके यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं आसपास सबको ले जाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। ये अग्निमित्रा पॉल जिनके साथ यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है गिरफ्तार करने के लिए, वो वहाँ पर खड़ी है, गिरफ्तारी नहीं दे रही है। लगातार एक के बाद एक जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता आए हैं यहाँ पर, नेता आए हैं, उनको यहाँ से उठा कर ले जा रही है पुलिस। ये एक तरफ की तस्वीर है कोलकाता पुलिस की यहाँ पर गड़ियाहाट की। अब मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखा देती हूँ जहाँ पर बस में कई सारे कार्यकर्ता खड़े हैं। पूछते हैं उनसे यहाँ पर, पुलिस ने आपको क्यों गिरफ्तार किया है? पुलिस हम लोग अवरोध कर रहे हैं, वो जो आरजीकर में घटना हुआ, इसलिए देखिए पुलिस हम लोग अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। कल भी हमारा स्टूडेंट शांति मुन्नो प्रोटेस्ट कर रहा था, कल भी ऐसे काम किया। आरोप क्या लग रहा है? आरोप क्या है? वो तो हम लोग विचार चाहते हैं, हमारा जो अभया है उसके बाद। यहाँ पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई के साथ गिरफ्तारी हो रही है। अग्निमित्रा पॉल कोलकाता पुलिस के यहाँ पर जितनी भी महिला कर्मचारी हैं, इनसे आपको मतलब बहस करती हुई नजर आ रही हैं। ये कहती हुई कि गलती क्या है हमसे, हम तो आज सिर्फ बंद कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार बंगाल में मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है विपक्ष की। अग्निमित्रा पॉल के शब्द हैं ये कहते हुए कि यहाँ पर बार बार जो गिरफ्तारी हो रही है। अभी आप देखिए अपने कार्यकर्ताओं को सुना, इन बसों में इस बस पर कोलकाता पुलिस लिखा हुआ है, ये कोलकाता पुलिस की बस है और इसमें कोलकाता पुलिस के अधिकारी यहाँ पर लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। स्थानीय यहाँ पर गड़ियाहाट के और आसपास के जितने भी इलाके के पुलिस को मूव किया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर से एक बार हिरासत में ले लिया गया है अग्निमित्रा पॉल को और बाकी सारे नेताओं को। इससे पहले रूपा गंगोपाध्याय के अटक को नहीं जाओ है, এখানে তিনজন কর্মীরা তারা বিক্ষোভ দেখানো শুরু করে এবং দেখতে পাচ্ছেন তসবিরে আপনি দেখ রে অগ্নিমিত্রা পল কো ভি হিরাসত মে লে লিয়া গয়া হ্যায়। থোড়ি দের পহলে রূপা গাঙ্গুলি কো হিরাসত মে লিয়া গয়া থা, উসকে পহলে কুছ অর বিজেপি নেতাও কো হিরাসত মে লিয়া গয়া। লকেট চটর্জি ভি পুলিশ কাস্টডি মে হ্যায় और अब अग्निमित्रा पॉल को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आप देख रहे हैं इस बस में उन्हें बिठाया गया है और अब यहां से पुलिस उन्हें ले जा रही है। मनोज्ञा, कोलकाता पुलिस ने भर के बस में यहां पर ले जाती हुई अग्निमित्रा पॉल को, उनके साथ यहां जितने भी कार्यकर्ता थे उन सबको बस में भर के ले जाती हुई कोलकाता पुलिस। तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश जो आप कह रहे थे वही एक तस्वीर जहां एक पक्ष अगर स्लोगनेरिंग करे तो ठीक है, एक पक्ष अगर नारेबाजी करे ठीक है, दूसरा पक्ष जब नारेबाजी करे तो उस पर सवाल उठ जाते हैं। यहीं पर इसी रास्ते पर जहां पर आपको नॉर्मल सामान्य दिनों में जितना ट्रैफिक दिख जाता है उसका आधे से कम आपको ट्रैफिक दिख रहा है, लोग खड़े हुए हैं, लोगों से ज्यादा यहाँ पर पुलिस तैनात है। पुलिस की संख्या देखकर आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से सड़कों पर हर उस व्यक्ति को जो आज विरोध प्रदर्शन में उतर रहा है उसे गिरफ्तार करने की पूरी संभावना है। और कोलकाता पुलिस के साथ महिला पुलिस यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी दोनों मौजूद जो एक के बाद एक गिरफ्तार करते चले जा रहे हैं जितने भी आ रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता या जी। मनोज्ञा, मैं दोबारा आपके पास फिर से लौटूंगा कुछ ही देर में। कुल मिलाकर एक जो बड़ी तस्वीर नजर आ रही है, पुलिस पर यह भी अब आरोप लग रहा है कि पुलिस भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है। बीजेपी के नेताओं को तो पकड़ा जा रहा है लेकिन टीएमसी के नेता जो सड़क पर नारेबाजी कर रहे हैं उन्हें पुलिस कुछ नहीं कह रही। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। आज सुबह से लेकर अब तक कई बीजेपी के नेता कस्टडी में लिए जा चुके हैं, हिरासत में लिए जा चुके हैं। अग्निमित्रा पॉल को जब हिरासत में लिया गया वो देख सकते हैं आप,
रूपा गांगुली कुछ देर पहले उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया और लॉकेट चटर्जी को भी पकड़ लिया है पुलिस ने, उन्हें भी थाने ले जाया गया है। तो बीजेपी की पूरी कोशिश की बंद सफल हो और इसीलिए बीजेपी के नेता कार्यकर्ता आज सुबह से ही बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं, जबकि टीएमसी के नेता उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो बंद को सफल नहीं होने देना चाहते हैं, प्रशासन की अपनी अलग भूमिका, किसी तरीके से कोई तनावपूर्ण स्थिति ना बने, इसलिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में लगातार, चूंकि आज भी गोली चली है। भाटपाड़ा से आज बड़ी खबर आई थी जब एक बीजेपी नेता की गाड़ी पर दनादन 6 गोलियां चला दी गई थी, कुछ ही देर के बाद वहां से देसी बम भी मिले थे। दिन दहाड़े इस तरीके की घटनाएं पश्चिम बंगाल में वहां पर होती हुई हिंसा जाहिर तौर पर बहुत गंभीर सवाल। और ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं जब बीजेपी की तीन सीनियर लीडर को पुलिस ने हिरासत में लिया। और मनोज्ञा मेरे साथ लगातार मौजूद है, मनोज्ञा कुछ अपडेट है क्या आपके पास, कुछ और जानकारी वहां से? बिल्कुल, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तृणमूल कांग्रेस का जुलूस है, ये तृणमूल कांग्रेस के सारे समर्थक यहाँ पर एक साथ बाइक पर निकलते हुए, तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का आज स्थापना दिवस है और ये सब गांधी मूर्ति की तरफ जा रहे हैं। तो ये जितनी भी बाइक, गाड़ियाँ, झंडे और बिना झंडे के भी लोग आपको दिख रहे हैं, ये सब तृणमूल कांग्रेस के समर्थक। जहाँ एक और बीजेपी ने बंद बुलाया है तो जिन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के झंडे लगाए हुए ये सारे कार्यकर्ता इस समय सड़कों पर निकल रहे हैं। विपक्ष ने बंद बुलाया है इसलिए विपक्ष पर कार्रवाई हो रही है, सत्ता पक्ष का आज यहाँ पर जुलूस है, रैली है जिसमें कार्यकर्ता और नेता सम्मिलित होंगे, इसलिए आज पूरी तरह से खुली छूट है। यही तस्वीर है पश्चिम बंगाल की और यही तस्वीर है बंगाल की राजनीति की, जहाँ पर एक साथ सैकड़ों गाड़ियां निकल जाती हैं और सीधा चली जाती हैं गांधी मूर्ति तक, जहाँ थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को, युवा नेताओं को संबोधित करेंगी 1 बजे। और वहीं दूसरी ओर जब एक युवा लड़की पर हुए अत्याचार के खिलाफ कुछ पक्ष, विपक्ष पश्चिम बंगाल का सड़कों पर उतरता है, हाथ जोड़कर विनती करती हुई पूर्व सांसद जाती है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो बंगाल बंद पर ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं, पल पल का हाल लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं आज के इस बंद के दौरान क्या खबर आ रही है। देखिए कोलकाता से लेकर कूच बिहार तक की तस्वीर आपके सामने है, सोनारपुर हो, बीरभूम हो, नॉर्थ परगना, सिलीगुड़ी, हावड़ा, अलीपुर द्वार, आप देख रहे हैं यहां पर कई जगहों पर सड़क पर संघर्ष भी देखने को मिला है, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने, बीजेपी की कोशिश की बंद सफल हो और टीएमसी के कार्यकर्ता इस बंद को असफल बनाना चाहते हैं क्योंकि सरकार टीएमसी की है। कई जगहों पर हिंसक झड़प की भी सूचना मिल रही है, भाटपाड़ा इलाके में गोली चला दी गई बीजेपी के नेता पर, ये आप देख रहे हैं कोलकाता की सड़क है जहां पर कई बीजेपी नेता अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं। महिला नेता कई सड़क पर जो उतरी थी, खासतौर पर लॉकेट चटर्जी हो, अग्नि मित्रा पॉल हो, इन तमाम नेताओं को, रूपा गांगुली को हिरासत में लिया जा चुका है। तो बीजेपी के नेता लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि बंद पूरी तरीके से सफल हो जाए, सड़कों पर वो निकले हुए हैं बड़ी संख्या में, लेकिन टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ उनकी भिड़ंत भी हो जा रही है, चूंकि आज तृणमूल कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया है। और फायरिंग के आरोप में पुलिस ने अब 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता की कार पर गोली चलाई गई थी, इस मामले में 4 आरोपी पकड़े गए हैं। नॉर्थ 24 परगना में बंद में फायरिंग केस पर अब एक्शन, फायरिंग के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 6 राउंड गोली चलाई गई थी जिसमें बीजेपी के एक नेता जख्मी हो गए और कुछ देर के बाद पुलिस ने वहां से देसी बम भी बरामद किया था। तो दिन दहाड़े इस तरीके की घटना, पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे और पुलिस ने अब कार्रवाई की है, 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। नॉर्थ 24 परगना में बंद के दौरान जो ये घटना सामने आई थी, इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं अर्जुन सिंह, जो कि सांसद भी रहे, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि एक स्थानीय बीजेपी नेता को मारने की साजिश थी, उनकी हत्या की ये साजिश थी। धनाधन एक के बाद एक 6 गोलियां बरसाई गई थी इस कार पर, जो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब इस मामले में पुलिस की कार्रवाई हुई है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल यह कि ये चारों कौन हैं, क्या किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या फिर कोई वैसे ही गुंडे बदमाश हैं, क्या इस बारे में पुलिस कोई खुलासा करेगी? तो आज बंद के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं भी सामने आ रही हैं, कुछ जगहों पर बीजेपी और टीएमसी के जो
कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके बीच भी झड़प हुई है। और ये देख रहे हैं तस्वीर जिसमें आप देख पा रहे होंगे, सामने एक व्यक्ति जो नजर आ रहा है गोली चलाता हुआ, फायरिंग करता हुआ, बिल्कुल सामने से उसने कार पर एक के बाद एक छह गोलियां चलाई। पुलिस ने चार लोगों को पकड़ा है, लेकिन सवाल यह बना हुआ है ये चार कौन हैं, क्या किसी पार्टी से जुड़े लोग हैं, आखिर बीजेपी नेता पर इन्होंने गोली क्यों चलाई। टाइमिंग बहुत ही सवालों को, ये जो आज की टाइमिंग है उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं, चूंकि आज बंद है और बीजेपी की तरफ से बंद बुलाया गया है, टीएमसी इसका विरोध कर रही है। एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं कोलकाता, हमारे साथ मनोज्ञा लोहिवाल वहां से जुड़ी हुई हमारी सहयोगी। मनोज्ञा, चार लोग पकड़े गए, इन्हें लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है क्या, ये कौन लोग हैं, क्या किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? अभी इनका पार्टी एफिलिएशन नहीं है, क्या ये सिर्फ पार्टी एफिलिएटेड है भी कि नहीं इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। आलोक राजौरिया ने ये जरूर कंफर्म किया है, जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं कमिश्नरेट के, उन्होंने ये जरूर कहा है कमिश्नर ने कि चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और चार लोगों की गिरफ्तारी से अब आप ये मान लीजिए कि पुलिस एक्शन की शुरुआत हो गई है। कि पुलिस, क्योंकि ये सवाल बार बार कानून व्यवस्था पर ही उठ रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं, जनता भी उठा रही है कि प्रशासन क्या कर रहा है, अगर उनको तस्वीरों में लोग दिख रहे हैं गोली चलाते हुए तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इस पूरे संदर्भ अभी तक चार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और इस समय ऐसे कई इलाके हैं जहां पर हिंसा की तस्वीरें दोपहर के 12 बजने को आ रहे हैं, लेकिन तब भी अभी तस्वीरें जारी हैं। मैं जहां पर हूं गरियाहाट पर, आपको मिला जुला असर क्यों कह रहे हैं आपको वो दिखा देते हैं। आमतौर पर ये दुकानें खुल जाती हैं, और अभी अभी आप ये मान लीजिए कि करीब 50 से 60 दिन बचे हैं सिर्फ दुर्गा पूजा में, और दुर्गा पूजा के पहले गरियाहाट ऐसा मार्केट है जहां पर खड़े होने की जगह नहीं मिलती है, और इतनी भीड़ होती है आमतौर पर आज न तो भीड़ है और दुकानें भी आधी खुली हैं। जो दुकानें यहाँ पर आपको साइड में खुली नजर आ जाएंगी, एक साइड पर खुली हैं, इस साइड पर खुली हैं, उधर की आपको दुकानें बंद नजर आएंगी, इधर की आपको दुकानें जो सड़क के फुटपाथ की दुकानें हैं वो थोड़ी सी खुली हैं, बाकी जो मेन दुकानें हैं उनका अभी भी शटर डाउन है। 12 बजने का समय अगर आ रहा है तो आप ये मान लीजिए कि कम से कम दोपहर के 12 बजे तक कोई भी ऐसा मार्केट नहीं होता है जो नहीं खुलता है, खासतौर से तब जब उन्हें इस बात की पूरी जानकारी हो कि हिंसा भी हो सकती है, और दूसरा जब उनका बाजार पीक का समय हो सकता हो, क्योंकि अगले एक महीने दो महीने तक कोलकाता में पूरे बंगाल में शॉपिंग का पीक टाइम माना जाता है दुर्गा पूजा के पहले, 9 दिन के फेस्टिवल के पहले, सब बंगाल के सबसे बड़े त्योहार के पहले ये तैयारियां होती हैं, लेकिन राजनीति भी उसी तरह से पीक पकड़ रही है अखिलेश। बिल्कुल, मैं आता हूँ मनोज्ञा आपके पास, इस पर भी आगे हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें अब सियालदह की दर्शकों को दिखाते हैं। यहां से भी बंद के दौरान का दृश्य सामने आ गया है, आप देख पा रहे होंगे यहां पर बीजेपी के इन नेताओं को हाथ में बीजेपी का झंडा थामे हुए सड़क पर निकले हैं। सियालदह की आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ बीजेपी के ये कार्यकर्ता नारा बुलंद करते हुए दिख रहे हैं। पूरी कोशिश में बीजेपी की आज का बंद पूरी तरीके से सफल हो, जाहिर तौर पर इसमें बीजेपी का राजनीतिक फायदा है। आची, आची, आची। ये देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सियालदह की तस्वीर है जहां पर सड़क पर बीजेपी के कार्यकर्ता निकले हुए हैं, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि आज इस बंद को आप सफल बनाइए, दुकानें ना खुलें, बाजार बंद रहे। कई जगहों पर ट्रेन रोकने की कोशिश भी की गई है, इस तरीके से भी खबरें आई हैं, यानी चक्का जाम का प्रयास भी किया गया। ये सियालदह की तस्वीर आपके सामने है जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। कोलकाता की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, पश्चिम बंगाल की राजधानी, वहां पर सड़कों पर संग्राम की स्थिति दिख रही थी, बीजेपी के कई नेता हिरासत में लिए जा चुके हैं। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है नॉर्थ 24 परगना में फायरिंग पर, एक अपडेट आपको दे दें, हमले को लेकर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगा दिया है कि पहले बम फेंका गया फिर फायरिंग की गई, एसीपी के सामने फायरिंग हुई है यह कहना बीजेपी का, यानी पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे जब यह गोली चलाई गई। हमने आपको वो वीडियो भी दिखाया था जिसमें आपने देखा था बिल्कुल सामने से फायरिंग की गई थी, गोली चलाई गई थी, एक के बाद एक 6 राउंड गोली चलाई गई जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हुआ है। लेकिन यह बहुत ही गंभीर आरोप है कि एसीपी के सामने फायरिंग की इस घटना को अंजाम दिया गया, पहले बम भी फेंका गया।
बाद में खबर ये आई थी कि वहां से देसी बम बरामद किया गया है, जिंदा बम। लेकिन ये मामला और ज्यादा गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि खबर ये आ रही है कि एसीपी के सामने फायरिंग की गई, ये बीजेपी का गंभीर आरोप है। तो पहले बम फेंका गया, फिर फायरिंग की गई। सवाल ये कि आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के नेताओं पर गोली चलाई, क्या इनका कोई कनेक्शन टीएमसी से है, क्या ये सब कुछ राजनीतिक विद्वेष के तहत किया गया है। तो ये बहुत ही गंभीर आरोप कि पुलिस ने कवर दिया है, यानी पुलिस की मिली भगत से ये सब कुछ हुआ है। और अब देखिए किस तरीके से अभी भी हंगामे की तस्वीर नजर आ रही है। पुलिस और बीजेपी समर्थक बिल्कुल आमने सामने, मेघना मोड़े मुखोमुखी सोमनाथ सैम एवं अर्जुन सिंह। আমরা দেখতে পাচ্ছি র‍্যাপ এবং পুলিশের পক্ষ থেকে দুপক্ষকে আটকে রাখার চেষ্টা চলছে। এই মুহূর্তে মেঘনা মোড় রীতিমত উত্তপ্ত, আর মেঘনা মোড়ে অর্জুন সিং এর বাড়ির সামনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি, এবং অর্জুন সিং এবং সোমনাথ সাহা মুখোমুখি হয়ে উঠেছে এবং ব্যাপক উত্তেজনা চলছে। তুমি দেখতে পাচ্ছো এই মুহূর্তে র‍্যাপ এবং অর্জুন সিং এর নিরাপত্তা রক্ষী আছে, তারা হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে সোমনাথ স্যাম এবং অর্জুন সিং দুজন পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে উঠেছে, এবং সেখানে অর্জুন সিং কে আলাদা করার চেষ্টা করছে পুলিশের পক্ষ। তো পুলিশ আর প্রদর্শনকারীও মে ঝড়প কি স্থিতি বন গই হ্যায়। আপ দেখ রহে হ্যায় আজ বন্ধ কে দৌরান পুলিশ আর ইয়ে প্রদর্শনকারী আমনে সামনে। ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनके हाथों में बीजेपी का झंडा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है। ये बैरकपुर की तस्वीर है, बैरकपुर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, चूंकि जो घटना सामने आई है उसको लेकर बहुत गुस्सा है लोगों में। बीजेपी के एक नेता पर गोली चलाई गई और ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि एसीपी की मौजूदगी में, यानी पुलिस के एक आला अधिकारी की मौजूदगी में यह घटना हुई है और इसमें पुलिस की मिलीभगत है, यह तक कह दिया बीजेपी के नेता ने। और अब बीजेपी के ये तमाम कार्यकर्ता गुस्से में सड़कों पर, पुलिस के साथ इनकी धक्का मुक्की तक हो गई। आपको बता दें कि पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास ये झड़प की स्थिति बन गई है। आप सुन भी रहे हैं अर्जुन सिंह को किस तरीके के गंभीर आरोप इस घटना को लेकर वो लगा रहे हैं, और इन तस्वीरों में वो नजर भी आ रहे हैं। अर्जुन सिंह आप देख सकते हैं, क्योंकि धक्का मुक्की की स्थिति बनी हुई है वहां पर, पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है और खुद अर्जुन सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में पुलिस ने उन्हें वहां पर रोक दिया है। तो आज जो घटना घटी है, जिस तरह से गोली चली है, एक बीजेपी कार्यकर्ता पर गोली चलाई गई, एक के बाद एक 6 राउंड गोलियां चलाई गई, बम फेंका गया, उसको लेकर ये बीजेपी के कार्यकर्ता गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। और बीजेपी ने ये गंभीर आरोप लगाया है कि ये सब कुछ पुलिस की मिली भगत से किया गया, यानी जो हमला हुआ पुलिस वहां बीजेपी के नेता पर, उसके पीछे पुलिस का हाथ भी बताने का प्रयास बीजेपी नेताओं का। और अर्जुन सिंह के घर के पास ही ये झड़प की स्थिति बनी हुई है। तो ये तस्वीरें तो हम आपको दिखाते ही रहेंगे, लेकिन जिस तरीके के हालात यहाँ पर बन रहे हैं उस पर जरा हम बातचीत भी कर लेते हैं। मनोज्ञा हमारे साथ लगातार हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, आप कोलकाता की सड़कों की तस्वीर दिखा रही हैं, ये बैरकपुर का हाल हम दर्शकों को दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। आज का ये बंद बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये पूरा पूरी कहीं और ज्यादा हिंसक ना हो जाए। रीतिमत संघर्ष का चेहरा नहीं है, और इसका जनता पर क्या असर है, जनता की मानसिकता पर क्या असर है, और इसका राजनीतिक क्या असर है, ये अभी शाम तक ही पता लगेगा। क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की स्पीच या फिर उनका भाषण नहीं आ जाता, आज का जो 1 बजे का दोपहर का उनका कार्यक्रम है वो उन्होंने उसी को समर्पित किया है, लेडी डॉक्टर को और उसकी पूरी घटनाक्रम को। तो अब आप ये समझ लीजिए कि राजनीतिक इस समय राजनीति आर पार की राजनीति है पश्चिम बंगाल में, जहां पर एक और बीजेपी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, जनता के साथ मार्च कर रही है, जनता उनके साथ मार्च कर रही है कई इलाकों में, लेकिन वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर उतरकर इंसाफ की गुहार लगा रही हैं और सीबीआई से जल्द इस केस के निपटारे की मांग कर रही हैं। ये दोनों तस्वीरें अलग हैं, लेकिन अब अगर आप हिंसा की बात करें, अखिलेश आपको पहली बात तो ये बता दूं कि जिन इलाकों से हिंसा की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से सुबह ट्रेनें रोकी गईं, जिस तरह से आज सड़कों पर भीड़ कम है, सड़कों पर व्हीकल्स कम है, सरकारी बसें जितनी हैं उतनी तो हैं लेकिन प्राइवेट बसेस आपको 1/10 आपको नजर आएंगी आज की तारीख में कोलकाता में। और अगर वर्किंग डे पर, क्योंकि कल भी इसका असर कोलकाता और हावड़ा में देखा गया और आज भी अगर ये 2 दिन लगातार इसका असर दिख रहा है, तो इसके कई सारे मायने आते हैं। पहला ये कि जनता घर पर रहकर इसका समर्थन कर रही है, दूसरा
बीजेपी जिस तरह से क्लेम कर रही है, क्या उसमें जनता उनके साथ है या फिर हिंसा से दूर रहने के लिए घर पर रुक जा रही है। तीसरा, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की रैलियां निकल रही हैं और उनकी यहां पर भीड़ और कार्यकर्ताओं की जो हुजूम निकल रहे हैं सीधा इस समय गांधी मूर्ति तक जाने के लिए, जहां पर उनका कार्यक्रम शुरू होगा दोपहर में, वहां पर जाने के लिए पुलिस प्रशासन की जो तैनाती और मुस्तैदी होती है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए भी प्रशासन उतना ही मुस्तैद नजर आ रहा है। कल वाटर कैनन से लेकर टीयर गैस शेल से लेकर लगभग सब कुछ हमने सड़कों पर देखा, विरोध प्रदर्शन देखा, लाठी चार्ज देखा और उसका असर ये हुआ है कि उस पर सवाल खड़े हुए प्रशासन पर। गिरफ्तारियां 100 से ज्यादा हो गई हैं और अभी भी सुबह से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। मनोज्ञा एक बात बताइए जरा, आप वहां से रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाते रहिए, लेकिन हम बैरकपुर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहाँ पर अर्जुन सिंह के घर के बाहर ये हंगामा हो रहा है। यहाँ पर इस तरीके से जो गोली चली, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या रक्त रंजित इतिहास यहाँ का रहा है? राजनीति का चरित्र ऐसा ही देखने को मिलता है इस इलाके का। परगना में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि वहाँ का पूरा कल्चर, अगर मैं ये कहूँ कि उत्तर 24 परगना में हिंसा एक प्रवृत्ति तौर पर रहा है, पहले भी वाम मोर्चा के कार्यकाल में भी, उनके भी शासनकाल में भी इसी इलाके में सबसे ज्यादा नोटोरियस लोगों को गिना जाता था। उसका कारण वहाँ की डेमोग्राफी है, उसका कारण वहाँ का इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसका कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और आसपास का उसका एडवांटेज है, यानी कि एक और आप नदी पार करके हुगली में आ जाते हैं या फिर अगर आप उस तरफ भी हैं तो आप सीधा बांग्लादेश आपके पास सीमा मिल जाती है। हर एक जिले, हर एक इलाके की अपनी एक तस्वीर होती है और उत्तर 24 परगना की कमोवेश तस्वीर नोटोरियस रही है, हिंसा की रही है और वहाँ पर क्योंकि मिल्स रही हैं, आंदोलन बहुत हुए हैं। हुगली को भले ही बहुत ही संपन्न इलाका माना जाता है, हुगली और बर्धमान को राइस बोल कहा जाता है बंगाल का, तो वहीं जितनी जूट मिल्स हैं, जितनी तरह के वहाँ पर मिल्स या फैक्ट्रीज रही हैं, हावड़ा और उत्तर 24 परगना में सबसे ज़्यादा रही हैं और उसके साथ साथ बर्धमान और आसनसोल में भी, जैसे दुर्गापुर में आपको, लेकिन वहाँ सरकारी ज़्यादा हैं, उत्तर 24 परगना में प्राइवेट और सरकारी दोनों रहती हैं और वहाँ की डेमोग्राफी, वहाँ पर लोगों का रहने का अंदाज भी उसी तरह से रहा है। अब अगर आप आज की राजनीति और इस राजनीति की बात करें तो अर्जुन सिंह बीजेपी में है, लाजमी है, सत्ता पक्ष के खिलाफ है। हालांकि पिछले वर्ष तक वो तृणमूल कांग्रेस में थे पर उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे, ये तो बात हुई पूर्व सांसद की। वर्तमान की राजनीति में वहाँ पर इसका असर लेयर दर लेयर ये हमेशा रहा है कि गोलियां हो, बमबाजी हो, इसका बहुत ज़्यादा असर उत्तर 24 परगना और बीरभूम जैसे इलाकों में रहता रहा है। अब अगर बात करें हम कोलकाता की, तो आज जो प्रदर्शन हो रहे हैं, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि सड़कों पर जिस तरह से गाड़ियों की संख्या कम है, सामान्य तौर पर लोग बंद के दिन नहीं निकलते हैं लेकिन बंद के दिन गिरफ्तारियां पहले भी हुई हैं, अभी भी हो रही हैं। अब अंतर ये है कि विपक्ष में तृणमूल कांग्रेस नहीं है, सत्ता में तृणमूल कांग्रेस है और विपक्ष में बीजेपी है और गिरफ्तारियाँ ताबड़तोड़ हो रही हैं। जब यहाँ पर आप राजनीति की बात करते हैं तो सत्ता पक्ष को ये पता होता है कि बंद किस दिन कहाँ हो रहा है। कल क्योंकि ये बंद पूरी घटनाक्रम के बाद 12 घंटे का बंद 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बुला दिया गया, ऐसे में ट्रेनों का रोकना, बसों का रोकना, तोड़फोड़ होना, ये सामान्य तस्वीर मानी जाती है पश्चिम बंगाल के लिए लेकिन देश के लिए नहीं। और खासतौर से इस बार क्योंकि सत्ता में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की अगर आप तस्वीर देखें तो विपक्ष की सबसे कद्दावर नेताओं में से गिनी जाती है और विपक्ष की राजनीति में अगर किसी को महारत हासिल है, सत्ता को किस तरह से पूरी तरह से चारों तरफ से घेराबंदी करके फंसाने की अगर राजनीति की बात करें तो उसमें ममता बनर्जी ने वाम मोर्चा के, ठीक है मनोज्ञा, मनोज्ञा आपको बीच में रोकना पड़ेगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, आगे भी आपसे हम जानकारियां लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर इस बंद का बड़ा असर दिख रहा है बंगाल में, अलग अलग जगहों से जो अब तक की तस्वीरें सामने आई है, लेकिन जो हिंसा हो रही है उसने बहुत गंभीर सवाल वहां पुलिस और प्रशासन को लेकर खड़े किए हैं।